गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, कल हमने ये देखा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने कल थोड़ा सा एक आर्टिकल जो नागराज सर का है वो हमने कल डिस्कस किया था। इस आर्टिकल में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसके बाद में थोड़ा जरूरत पड़ी कि हम कुछ साइट्स को और देखें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि वास्तव में FDI की डेफिनेशन क्या होती है, क्या उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड होता है या नहीं होता, और होता है तो कितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि FDI में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की कंडीशन क्या है, क्योंकि कल का जो हमने आर्टिकल देखा था तो काफी कुछ, क्योंकि हम हमेशा ये ध्यान रखें, आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल एक क्या एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, और इकोनॉमिक्स में क्या है कि डेटा है और डेटा का एनालिसिस। अब डेटा का एनालिसिस कभी भी कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हों, या कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेसर भी हैं, तो वो हमेशा अपने पुराने जो उसके थॉट्स हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर आएगा। इसमें दो ही चीजें आती हैं कि या तो वो गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट हो या फिर प्रो गवर्नमेंट हो, दोनों ही चीजें हैं। और उससे थोड़ा सा कहीं कहीं जो भी व्यक्ति आर्टिकल लिखता है, ये बहुत कम लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है जो कि आर्टिकल लिखें और आर्टिकल बायस नहीं हो, किसी एक साइड पे नहीं ले, तो आपको ऐसे ही लगेगा। कल जो आपने नागराज जी का आर्टिकल देखा वो आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में हमारी स्थिति बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें बताया कि जो फिक्स डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो पार्ट कर दिए उन्होंने, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग बताया, फिर इनफ्लो अलग बताया, आउटफ्लो बताया, और उससे दिखाने की कोशिश की कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा, क्योंकि उन्होंने RBI के डेटा लिए कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, लकी हो रहा है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अगर हम ऑपरेशन करें तो हम ये देखना चाहेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और क्या वास्तव में हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, क्या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर हमारी क्या स्थिति बन रही है, क्या वो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, किन कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा है। साथ ही साथ में क्योंकि हमने उसमें एक डेटा और देखा था जो हमने कल देखा भी था कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसा बाहर से आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे काफी अच्छी कंडीशन में, ऐसा नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए हैं और हम बहुत प्रेशर की कंडीशन में, ऐसा भी नहीं। ऐसी प्रकार से कल इंटरनल इकोनॉमी में भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन होते हुए भी यहाँ पर एजिटेशन नहीं है, क्योंकि कई कंट्रीज में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन अगर होगा तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जैसे कि वेनेजुएला आपने देखा होगा, एक कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन, जबकि वहां पे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है वेनेजुएला। तो ये होते हुए भी इंडिया की कंडीशन हम कह रहे हैं बहुत अच्छी है, प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं उसके अंदर कि हमारी ग्रोथ रेट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, चाहे वो इंटरनेशनल संस्थाएं हों, चाहे वो नेशनल संस्थाएं जैसे RBI वगैरह है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन हमें दिखा रहे हैं कि बहुत कम हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। GDP जो डिक्रीज तो हो रही है नो डाउट, लेकिन उसका बहुत नेगेटिव जैसा नहीं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, ऐसा नहीं। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन के लिए हमें साइट देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हम ये मानते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये होता था कि अगर कोई देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें देखिए एक तो वर्ड आता है फॉरेन, और इन्वेस्टमेंट भी है, फॉरेन भी है, और दो चीजें आ रही है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो, या फिर आप कहते हैं डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूशनल। तो कोई भी कंट्री जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो पैसा भेज रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, फॉरेनर्स में ज्यादातर क्या है, NRIs है, ठीक है, इंडिया में कोई फॉरेनर इंटरेस्ट नहीं लेगा पैसा लगाने के लिए। तो वो पैसा हमारे पास दो प्रकार से आ सकता है, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में और एक इंस्टीट्यूशनल या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। अभी इसमें इंटरनेशनल लेवल पर, चूंकि हमने कल आर्टिकल भी देखा, उससे आपको नेगेटिव भी लग रहा था कि यार ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पर चाहे आप वर्ल्ड बैंक देखें या OECD की साइट देखें या OECD को देखें, उन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया। कई लोगों को आप आर्टिकल और भी पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आएगा कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर ही इस डेफिनेशन को चेंज किया गया, और चेंज करना जायज भी है। जायज कैसे है? कि हम इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो बता रहे हैं, उस इनफ्लो में अगर इन्वेस्टमेंट हमारा किसी कंपनी के अंदर
आप परचेज कर रहे हैं शेयर्स वगैरह, तो अगर वो 10% से ज्यादा है उसकी कैपिटल से, देन वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है, न कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। और अगर 10% से कम है तो वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ये मैं अभी आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, क्योंकि बिना प्रूफ के तो आप भी मानने वाले नहीं कि मैंने कह दिया और आप एक्सेप्ट कर ले कि हाँ सर ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में चेंज है। इस जैसे आप ये जानते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जो हमारी डेफिनेशन है वो भी चेंज हुई है। तो ये सारी डेफिनेशन और जो हम चेंज करते हैं वो चेंज ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही गवर्नमेंट कर ले, क्योंकि आप इंटरनेशनल जो लीडिंग संस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, चाहे ट्रेड के केस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, IMF ले लें, और इसी प्रकार से OECD ले लें, तो इन इन इनके द्वारा डेफिनेशन जो डिसाइड की जाती है वही डेफिनेशन है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें, और इसी को डेफिनेशन को दोनों पर देखिए आप, FDI की जो हमारी साइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको पर भी देखिए कि वास्तव में FDI क्या है, FFI क्या है, और साथ में वर्ल्ड बैंक या फिर OECD की जो डेफिनेशन है उसको भी देखिए, और दोनों में इस चीज को क्लियर कर रखा है। इसीलिए जब उनके जब डेटा दिए जाते हैं तो उसके अंदर FDI जो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उसके अंदर इनफ्लो में इस चीज को भी लिया गया, इंक्लूड किया गया। जबकि ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि यार आप जो शेयर मार्केट में जो आप बॉन्ड्स वगैरह जो परचेज कर रहे हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको FDI में कैसे हम ले रहे हैं। तो अगर वो 10% से ज्यादा है उसकी कैपिटल का, जबकि इसमें एक और बात ध्यान रखें कि 24% से ज्यादा नहीं हो सकता इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, 24% से ज्यादा नहीं हो सकता। FDI के केस में तो कुछ कुछ जो कमोडिटीज हैं उसमें बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी FDI अलाउड है, कुछ में रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कर रखा है, वो पूरा साइट्स के ऊपर अवेलेबल है, कुछ के केस में आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और कुछ में अलाउड ही नहीं है। तो ये FDI के अलग अलग कमोडिटीज के केस में अलग अलग चीजें हैं। तो कुछ केसेस तो ऐसे इसमें और 100% भी है, कुछ में 100% से बिलो होगा, कुछ में 49% जैसे इंश्योरेंस वगैरह होगा। तो अलग अलग FDIs की जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और उसके अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था आपने जब आर्टिकल देखा हो कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी डेटा अगर हम अभी देखेंगे तो FDI का जो डेटा है उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें अब डेफिनेशन चेंज है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप वापस उसी पुरानी चीज में जाते हो जिसमें आप उसको बाइफरकेट करते हो और फिर देखते हो तो आपको अलग पिक्चर दिखेगी, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वास्तव में डेफिनेशन क्या चेंज है और नहीं है, और है तो अब क्या डेफिनेशन, उसको थोड़ा सा आप देखें। मैं एक सेकेंड आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं। अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए ये जो साइट है वो है आपका datahelpdesk.worldbank.org, यानी वर्ल्ड बैंक की साइट है। और वर्ल्ड बैंक की साइट पर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन FDI नेट इनफ्लो एंड नेट आउटफ्लो, तो ये नेट इनफ्लो की बात करता है, और उसी नेट इनफ्लो का अपन अभी डेटा भी देखेंगे। इन्होंने एक OECD ने बेंचमार्क डेफिनेशन जो दी उसके अंदर जो चेंजेस किया है वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ये आप पैरा देखिए। बाकी तो आपको पता ही FDI क्या होता है, FII क्या है, इसको आप थोड़ा सा देखें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ए कैटेगरी ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विथ ए रेजिडेंट ऑफ वन इकोनॉमी हैविंग कंट्रोल और ए सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस दैट इज रेजिडेंट इन अनदर इकोनॉमी इन एज वेल एज द इक्विटी That gives rise to control or influence. अब देखिए कि FDI के अंदर इन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, यानी कि अगर इक्विटी के रूप में इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आपका FDI में गिना जाएगा, जो कि FDI की हमारा जो डेटा शीट आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें भी इक्विटी को उसके अंदर इंक्लूड किया गया, तो इक्विटी को इसके अंदर लिया गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विथ दैट रिलेशनशिप including investment in indirectly influence or control enterprise, यानी कि आप directly enterprise को control नहीं भी कर रहे हैं तो भी indirectly भी अगर आप control कर रहे हैं तो भी उसको direct investment में लिया जाएगा, क्योंकि equity investment, equity flow इसके अंदर
एफडीआई की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट इन फेलो एंटरप्राइजेस डेप्ट या तो उसको ऋण दें, एंड रिजर्व इन्वेस्टमेंट, रिवर्स इन्वेस्टमेंट, रिवर्स इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन, ये तीन चीजें हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट इन फेलो एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय द सेम डायरेक्टर इन्वेस्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टर, डेप्ट के रूप में भी पैसा आ सकता है और रिवर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में भी पैसा आ सकता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 एडिशन बीपीएम 6 मेथोडोलॉजी हैज ब्रॉट चेंजेस टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मेकिंग इट कंसिस्टेंट विद द ओईसीडी बेंचमार्क डेफिनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसने इस डेफिनेशन के अंदर चेंज किया है। इसी कारण से जब आप डेटा देखते हैं तो उसके अंदर, अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा अभी, तो उसके अंदर जब हम इक्विटी को जो ले रहे हैं वो इक्विटी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जाता है। क्योंकि अभी तक मैं जो ये शेयर मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक आपके माइंड सेट में यह था कि अगर शेयर, यानी कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक किसे मानते थे? हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक केवल और केवल ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को मानते हैं या फिर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट को मानते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूं आपको इस इन दोनों का जो मैं टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है उनका मीनिंग पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जीरो से खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। जीरो से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि एक कोई फॉरेन कंपनी है वो अगर इंडिया में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो यहां पर लैंड परचेज करेगी, उसके ऊपर अपना ऑफिस बनाएगी, पूरा एस्टेब्लिशमेंट करेगी, एम्प्लॉइज रखेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, प्रोडक्शन करेगी और उसको सेल करेगी। दिस इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जिसमें जीरो से स्टार्ट होगा। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट और आता है जो कि जो एफडीआई के अंदर ही है, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उसमें ग्रीनफील्ड नहीं हो। ग्रीनफील्ड मतलब कि जीरो से, मतलब लैंड लेकर वो अपना खुद फैक्ट्री प्लांट वगैरह नहीं लगाए, जबकि वो क्या करे, जो ऑलरेडी कोई प्लांट चल रहा है उसको लीज पर ले ले, दैट इज ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमारे माइंड में ये होता था कि हम ये मानते थे कि केवल इसी दो प्रकार के रूप में जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो वो ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड के रूप में है तो वो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन अब आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर ही डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। आगे हम उसको और देखेंगे अभी क्योंकि मैं अभी जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट बताऊंगा तब उसमें पता पड़ेगा कि वास्तव में एफडीआई और एफआईआई क्या है। लेकिन वो भी मैं आपको बता देता आपको लगता कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन चेंज की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन चेंज नहीं की है, वर्ल्ड बैंक ने ओईसीडी वाली डेफिनेशन को अडॉप्ट कर दिया और वही मान रहा है कि यही जो डेफिनेशन है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर आप डेटा का एनालिसिस करते हो और एक डेफिनेशन नहीं रखते हो तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए पहली बात तो आपको ये निकाल लेनी अपने दिमाग से कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी हम डेटा देखेंगे उससे आप और भी कंफर्म हो जाएंगे। अब ये जो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ वो क्या चीज हो रही, अब हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट इन फेलो एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस कंट्रोल बाय द सेम डायरेक्टर, डायरेक्ट इन्वेस्टर, डेप्ट के रूप में आ सकता है जो कि आपका इक्विटी के रूप में, एंड रिवर्स इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आ सकता है। ये तीन चीजें हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होगी जो कि अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। चलिए अब हम इसको इसके डेटा पर देखते हैं इंडिया के। जब आप ये डेटा देखते हैं, ये हमारा एफडीआई की फैक्ट शीट है इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक का, यानी अभी पिछले महीने तक का ही है। और ये पूरा आपको एफडीआई की जो साइट है उसके ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से मैंने इसको लिया। मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ओपन करके रख रखा है ताकि हम डायरेक्टली इसको देख सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि एफडीआई क्या चीज है। एफडीआई में देखिए क्या आ रहा है, अगर आप देखें एफडीआई इनफ्लो फर्स्ट दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव एफडीआई फ्लोज इनटू इंडिया, यानी कि इंडिया में आ रहा है और इंडिया से जाने वाला आउटफ्लो इसमें नहीं दिखा रखा है, क्या इनफ्लो दिखा रखा है। क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो,
है। अब आपको यहां जब ये डेटा शीट आप देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तब आपको समझ में आता है कि एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, यानी कि अब कंट्रीज क्या करते हैं, अपने एफडीआई को दो भागों में बता रहे हैं। कौन सा भाग? एक तो वो भाग जो कि एफडीआई इनफ्लो है, और दूसरा वो भाग जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है। अब इसमें से ध्यान देने की, जो मैंने आपको बताया कि अगर 10% कैपिटल से ज्यादा आपका जो टोटल आपका है, आपकी एसेट, उसका 10% से ज्यादा कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तभी वो इसमें आएगा। उसको अभी हम डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट के ऊपर देखेंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री की, कि वो आपका डायरेक्ट में आएगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट है। अगर 10% से बिलो है तो हम उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो यहां पर अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को दिखाया गया है, फ्लो को, इनफ्लो को, उस इनफ्लो को दो भागों में बताया गया है। अगर आप टोटल दे रहे हैं तो उसमें तीन चीजें हैं, इक्विटी रीइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड अर्निंग जो अभी हमने साइट के ऊपर देखा था वर्ल्ड बैंक की, एंड अदर कैपिटल। तो टोटल हमारे पास अगर हम फर्स्ट कॉलम पे देखें तो वो हमारे पास आ रहा है $763 बिलियन का एफडीआई इस टाइम पीरियड में आया, 2000 अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2021, यानी पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसमें $763 बिलियन का इनफ्लो आ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है कि अगर आप देखें तो इसमें से $529 बिलियन हमारा क्या है, लगभग आपका इक्विटी इनफ्लो, यानी कि इक्विटी इनफ्लो का जो शेयर है वो अगर आप निकालें तो ये 50% से ज्यादा हो ही रहा है ना, 70% के आसपास जा रहा है, यानी कि इक्विटी इनफ्लो। हाँ, तो ये आपका इस ये चीज है। लेकिन माइंड में याद आना, ये एफडीआई नहीं, ऐसा नहीं है, ये एफडीआई ही है इंटरनेशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आपको इसको एफडीआई में ही लेना पड़ेगा। इसलिए आप जब एफडीआई देखते हैं, देखिए ये फैक्ट शीट किसकी है, फैक्ट शीट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई की फैक्ट शीट है इसमें। लेकिन इक्विटी इनफ्लो में ऐसा नहीं होता, आपका डायरेक्ट उसके ऊपर अधिकार नहीं हो जाता उस कंपनी, लेकिन आपने उस कंपनी का लगभग 10% तक का पैसा आपने लगा रखा है, ठीक है। तो जब जो चीज है उसको समझने वाली बात यह है कि अभी आप ये देखें कि एक तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, उसके बाद ये सब चीजें और निकल के आ रही, और एक मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, यानी कि मैंने किसी एक जो इंडिया बेस्ड कंपनी है उसके अंदर उसकी इक्विटी का 10% तक परचेज कर लिया। तो ये आपका जो उस आर्टिकल में दिया हुआ था वो ये कह रहा था कि सारा का सारा क्या है, हॉट बनी, यानी उन्होंने ये बताया, आपने देखा भी होगा 6-7000% उन्होंने इसकी ग्रोथ बता दी कि आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको इक्विटी इनफ्लो को भी उन्होंने पोर्टफोलियो में माना, क्योंकि वो कोई आपका ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के भी बियॉन्ड जा रहा है, डेफिनेशन आपकी उसके आगे जा रही है, इसलिए हमें इसको देना पड़ेगा कि भी इस चीज को भी एफडीआई में इंटरनेशनली माना गया, इसलिए हमें भी इसको एफडीआई में मानना पड़ेगा। और ये नीचे पूरी डिटेल दी हुई है इसकी। फिर आगे आप और आगे जाते हैं, शेयर ऑफ टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, क्योंकि अब आप देखिए 75% हमारा इक्विटी इनफ्लो है। तो जो टॉप एफडीआई इनफ्लो में कंट्रीज जो करने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं वो इस टाइम पीरियड में अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मॉरिशियस और सिंगापुर है, 28% और 22% इनसे आ रहा है, और 8% और बाकी सब कंट्रीज हैं वो बिलो 10% है। तो मॉरिशियस और सिंगापुर से हमारा इक्विटी इनफ्लो सबसे ज्यादा है। ये कैसे होता है, देखिए इसमें क्या है, कोई एक कंपनी आप अगर एनआरआई हैं तो आपने एक कंपनी अपनी मॉरिशियस या सिंगापुर में लगा रखी है, और वही एक कंपनी यहाँ लगा रखी है इंडिया में, तो आप क्या करते हैं, वहां से प्रॉफिट को आप इधर ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसको भी किस और 10% लगा रहे हैं, मतलब वो हॉट मनी नहीं है। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए ये एफडीआई में क्यों लिया है, 10% ज्यादा, अभी मैं 10% वाला आपको बता दूंगा इसको, तो ये इक्विटी इनफ्लो है, ये इसका मतलब कि ये एकदम जाने वाला नहीं है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टाइप नहीं है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने उसकी इक्विटीज ली है, और ज्यादातर इक्विटीज कहां से आ रही है, मॉरिशस और सिंगापुर से। हाइएस्ट अगर पूछा जाए कि भाई किस सेक्टर में आ रही है, तो अगर हमें देखना हो तो सर्विस सेक्टर में ज्यादातर आ रही है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में ज्यादा आ रही, 16-13% के आसपास इन दोनों सेक्टर्स को कवर कर रही है। तीसरा अगर देखा जाए तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस स्टेट में आ रही है, तो वो आपकी आ रही है गुजरात और महाराष्ट्र, लगभग अगर देखिए तो मोर देन 60% तो इन दोनों स्टेट में आ रही है, कि इक्विटी इनफ्लो ज्यादातर इन दोनों स्टेट्स में आ रही है, क्योंकि आ रही यहाँ पर कंपनीज ज्यादा।
तो ये कुछ डेटा आपको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि केवल और केवल आप एक कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़कर अपना जो विचार है वो बना नहीं सकते, उसके लिए आपको काफी कुछ पढ़ने की और जरूरत पड़ती है। ये उसमें आप थोड़ा सा देखें। अब देखिए इसी को वापस मैं और आगे दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पार्ट इन्होंने कर रखे हैं इक्विटी, री इन्वेस्टिंग अर्निंग एंड कैपिटल। री इन्वेस्टिंग अर्निंग का मतलब कि मेरी अर्निंग जिसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक है। अब इसमें भी दो रूट हैं इसके इक्विटी के। इक्विटी को इन्होंने दो भागों में बांटा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के थ्रू जो आ रहा है वो, और दूसरा आपका अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज के थ्रू जो आ रहा है वो इक्विटी। तो वो उन दोनों भागों को अलग अलग करके दिखाया, वो एक उनका तरीका। तो अब एफडीआई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा जो पार्ट चीज आ रही है इसके अंदर वो इक्विटी इनफ्लो आ रही है, ठीक है। तो इक्विटी इनफ्लो का इंपॉर्टेंस अभी बढ़ी है। किन स्टेट में ज्यादा आ रही है? गुजरात और महाराष्ट्र में आ रही है। कहाँ से आ रही है? मॉरिशस और सिंगापुर से ज्यादातर आ रही है, और सर्विस सेक्टर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको और भी ज्यादा चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं, पूरा डेटा स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर साइट के ऊपर इनका दिया हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इनकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, डीआईपीपी की साइट पर अगर हम जाते हैं, हाँ देखिए ये अब साइट है, इसी साइट का उसने हवाला दिया था कल आर्टिकल, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें अगर आप एफडीआई पे जाएं और एफडीआई पॉलिसी पे जाएं, वहां पर आपको पता पड़ेगा कि अब एफडीआई की डेफिनेशन हमारी क्या है। उसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर पॉलिसीज दे रखी हैं, आप देखें कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर जो लेटेस्ट है 2020 का। उसके अलावा सेक्टर्स अंदर ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल, जहां जहां जरूरत है उन दोनों को दे रखा है इसके अंदर। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि हमारी वास्तव में पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी में अगर आप जाएंगे तो जो डेफिनेशन है वहां पे उन पर आप जाइए और फिर आपको क्लियर होगा कि वास्तव में एफडीआई क्या चीज है। ये देखिए डेफिनेशंस, इसमें बहुत सारी जो आपकी काम की है वो मैं बता दूं आपको, कन्वर्टेबल करेंसी। हाँ एक और आप थोड़ा सा देखें, एफडीआई जो आता है वो किस रूप में आता है, क्योंकि कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है तो ये दो चीजों से होता है। एक तो डिपोजिटरी रिसिप्ट इसको बोलते हैं, इसमें एडीआर और जीडीआर इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, एडीआर और जीडीआर। आपका जो काम का है वो मैं अब चला दूं इसमें, यहां से देखिए 2.116 एफडीआई एंड एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनमें जो डिफरेंस है वो कहां पर है, ये पॉलिसी जो फॉर्म अपनी लेटेस्ट पॉलिसी उसके अंदर दिया हुआ। तो देखिए एफडीआई क्या है, देखिए आप यहां से एक लाइन को पढ़ना शुरू करिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी और इन 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन ए फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ द लिस्टेड इंडियन कंपनी। यानी अगर लिस्टेड इंडियन कंपनी है तो उसमें तो उसको क्या करना पड़ेगा, फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर 10% से ज्यादा अपना पेड अप इक्विटी उसके अंदर लगाएगा, उसकी जो पेड अप इक्विटी है उसके उसका 10% तो वो एफडीआई में माना जाएगा। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिस्टेड इंडियन कंपनी फॉल्स टू लेवल बिलो 10%। अगर लिस्टेड कंपनी है और उसमें 10% से कम होता है ऑफ द पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन ए फुली डायल्यूटेड बेसिस द इन्वेस्टमेंट शेल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज एफडीआई, ठीक है। फुली डायल्यूटेड बेसिस मीन्स द टोटल, फुली डायल्यूटेड बेसिस का मतलब कि एक कंपनी है उसका फुली डायल्यूशन अगर कर ले, डायल्यूशन करने का मतलब उसकी सारे एसेट्स को बेच दें तब कितना होगा, वो फुली डायल्यूटेड बेसिस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
that would be outstanding if all possible sources of conversion are exercised. यानी कि आप ये मान सकते हैं कि टोटल जितनी कंपनी की है उसका अगर 10% तक इन्वेस्टमेंट अगर किया जा रहा है लिस्टेड कंपनीज में, तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाएगा। नहीं, तक और ज्यादा दोनों लिखा है, और इन 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी कैपिटल जो भी फुली डाइल्यूटेड है, मतलब उसका पूरा उसका 10% या उससे ज्यादा। ठीक है, अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपका आ गया है, ये है मींस एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन ए रिपेट्रिएबल बेसिस इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियन कंपनी और टू बी कैपिटल ऑफ ए LPP। यानी कि इफ द डिक्लेरेशन इन मेड बाय पर्सन, ठीक है इसको ज्यादा उसमें नहीं जाए हम, तो ये आपका ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मे होल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आइदर एज FDI और FPI इन एनी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी। वो किस रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो FDI के रूप में करें या पोर्टफोलियो के रूप इन्वेस्टमेंट के रूप में। FDI लिंक परफॉर्मेंस कंडीशंस क्या है ये सब है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है उसको भी आप देख लीजिए। मींस एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, वो की वही डेफिनेशन, वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पोस्ट इश्यू पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द फुली। बस मेरा आपको मतलब ये था, पोर्टफोलियो का मतलब अगर आपने लेस देन 10% उसके जो जितनी भी कैपिटल है जिसको हम डाइल्यूट कर दें, उसके सारे शेयर्स को बेच बुझा दें, उसके बाद कितनी उसकी कंपनी की कैपिटल होती है, उस कैपिटल का, अब इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा सिंपल वे में। एक कोई कंपनी है जिसके सपोज आप माने कि 100 करोड़ रुपए की कंपनी इंडिया में है, जिसके सभी शेयर्स बेचने के बाद उसको आज की तारीख में 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो उस कंपनी में अगर कोई फॉरेनर उसके 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करता है, समझिएगा, तो वो आपका किस में आएगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और 10 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किस में आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका इसमें हो गया, लेस देन अगर 10% है फुली डाइल्यूटेड लिस्टेड कंपनी के केस में, तो वो ये बीच की लाइन है 10% वाली। अब इसमें एक और चीज भी है इंपॉर्टेंट कि FDI कितना कर सकता, कोई एक जो फर्म है वो दूसरी इंडिया की फर्म के 24% से ज्यादा नहीं ले सकता। देखिए हाँ, इक्विटी के रूप में 24% ज्यादा नहीं ले सकता, वो भी इसमें कहीं है। तो ये आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होगा। FPI means a person registered in accordance with the provision of Security and Exchange Board of India as mentioned time to time। ठीक है, ये और भी इसमें वेंचर कैपिटल के रूप में भी आता है। ठीक है, इसमें दो रूट हैं आपका, एक तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है, ठीक है, और एक डायरेक्ट जो है अप्रूवल वो भी है, इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट, ये सब और भी डेफिनेशंस में दे रखी, जॉइंट वेंचर के रूप में या कोई भी लिमिटेड लिक्विडिटी पार्टनरशिप LLP जो अपने ऊपर देखा था उसमें। तो ये मेन एक डेफिनेशन थी जिसको कि मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि FDI और FII है क्या, इसके अंदर क्या चीज है। हाँ ये क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तभी आपको पता पड़ेगा। तो अब आप देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, जो अभी अपन ने इसमें देखा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा आ रहा है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, अगर हम डेटा को जो देख रहे हैं, ये जो फैक्ट शीट अभी आपने देखी, तो इसमें ये देखिए कि $700 बिलियन का पिछले साल टोटल FDI आया इनफ्लो के रूप में, आउटफ्लो को अभी अपन नहीं ले रहे हैं, उसमें बैलेंस नहीं निकालना चाह रहे हम, तो $700 बिलियन का आपके पास आ रहा है, उसमें से $529 बिलियन एज इक्विटी इनफ्लो आ रहा है। इक्विटी इनफ्लो मतलब कि इंडिया की जो कंपनी है उनके पास पे पैसा आ रहा है, 10% तक वो उनका शेयर्स परचेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नया डेटा है और नई डेफिनेशन है, जिसकी क्योंकि अभी तक माइंडसेट ये रहता था कि अगर कोई किसी की इक्विटी में परचेज कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो हम ये केवल मानते हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए इसको डेफिनेशन को चेंज करना है और इसके पीछे कई सारी चीजें हो सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, इंडिया और चाइना को अगर आप देखें कंपेयर करें, तो चाइना ने बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की,
इंडिया ने हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी नहीं कि सर्विस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ की थी बीच में, अभी वापस डाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड। तो हम ये कहें कि भाई हमारे यहाँ पे एफडीआई क्यों नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें पिछले 10-20 सालों तक का उठा के तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एफडीआई का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। अब लेकिन ये इक्विटी इनफ्लो का विरोध नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता है कि इक्विटी इनफ्लो भी आ रहा है। और इक्विटी इनफ्लो क्या है, हमारे किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करा, एनआरआई ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इक्विटी इनफ्लो। तो ये इसमें है भी एक्सक्लूडिंग रेमिटेड थ्रू आरबीआई एनआरआई स्कीम में जो रेमिटेशन उसको इसमें एक्सक्लूड भी कर रखा है, वो नहीं, ठीक है। एक रेमिटेशन और होता है, रेमिटेशन है ना वहां से जो आप अर्निंग्स यहाँ भेजते हैं यहाँ के खातों में, वो आपका रेमिटेशन है। तो रेमिटेशन को इसमें एक्सक्लूड करने के बाद भी अगर हम देखें तो इक्विटी इनफ्लो हमारा 529 यानी लगभग $530 बिलियन तक है। एक साल के अंदर $520 बिलियन बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, रूट हो रहे हैं, पैसा बाहर से यहाँ आ रहा है। तो इस कारण से अभी जो स्थितियां इंडिया में बन रही हैं वो सारी इस कारण से कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत अच्छा है, और फिर हमारी जो अगर आप ट्रेड की डेटा भी अगर देखेंगे तो ट्रेड के डेटा में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि हमारा किन के साथ ट्रेड अच्छा है, किसके साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अच्छा है। सबसे ज्यादा ही ट्रेड, अगर आप ट्रेड के डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा ट्रेड ही हमारा चाइना के साथ हो रहा है, तो वो भी एक देखने वाली बात है। तो इसलिए इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग मिसकंसेप्ट कर लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में क्या है बार बार चेंज होती रहती है। हर समय आप जब पॉलिसी डेटा देखेंगे इनके तो आपको नई डेफिनेशन मिलेगी, इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। अब जैसे इसको हम देखें, जो मैंने बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट के दो रूट्स हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है। तो उसी को अगर आप इसके पॉलिसी इसमें भी देखना चाहें तो इसमें आपको आगे आ जाएगा, डेफिनेशन के बाद आप देखें इसको कितना कितना किस किस में अलाउड है और कितना है। उसके लिए एक आप थोड़ा सा चाहें तो न्यूज आइटम और देख लेते हैं। ये द प्रिंट जो न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल है, ये लिख रहा है इंडियाज एफडीआई इनफ्लो। अब देखिए यहाँ आप समझ रहे होंगे एफडीआई इनफ्लो में क्या क्या चीजें आती है, वो अब आपके दिमाग में क्लियर है। इक्विटी इनफ्लो भी ग्रू बाय 19% टू $59 बिलियन इन 2021। ये आपका बता रहा है कि 19% इसके अंदर हुआ। टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज किसको बता रहा है, सिंगापुर इज द टॉप विद 29% शेयर्स, ठीक है। इट वाज फॉलोड बाय द यूएस 23%, मॉरिशस 9%, वो चेंज होता रहता है। अभी जो मैंने आपको बताया था उसमें मॉरिशस और सिंगापुर था, फर्स्ट मॉरिशस था। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज है, इसके अंदर इसने ये बताया है। फिर आप इसको और भी देख सकते हैं, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो देखिए वापस इसमें दिखा रहा है, क्योंकि ये इक्विटी इनफ्लो इसका मेन पार्ट है। इन टर्म्स ऑफ टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज में इसमें सिंगापुर बता रखा, उसमें अभी थोड़ा चेंज हो गया जो मैंने अभी को रिपोर्ट बताई थी आपको। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं, जो आप चीजें देखते हैं, उनको थोड़ा आगे उसका ऑपरेशन कीजिए। जब तक आप ऑपरेशन नहीं करेंगे आप उसकी केवल एक साइड को देख पाएंगे और दूसरी साइड आपको पता नहीं पड़ेगी कि वास्तव में ये क्या होना। तो क्योंकि हर जो इकोनॉमिस्ट है, हर पॉलिटिशियंस है, वो हम जो डेटा है उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, तो एक्चुअल डेटा भी हमें देखने की आवश्यकता है। अब इसी प्रकार से आप इसी की जो साइट है इसके ऊपर आप ये देखें, इसके पब्लिकेशंस भी हैं और एक एफडीआई इंडिया साइट और है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये एक और है एफडीआई फाइनेंस, ये जो साइट है उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटर, इसके जो सीईओ हैं ये आपको बता देता हूँ। एफडीआई के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी, इसमें
इसमें भी एफडीआई पॉलिसीज दे रखी है, उसमें भी सेम चीज ये है। और इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता, हाँ इसको थोड़ा सा इससे आपको पता लगेगा। हम एफडीआई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट वाले जो पार्ट है उसको बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस वाले पार्ट कम है, तो आप उस पॉलिसी फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, दो रूट इसके हैं। ऑटोमेटिक रूट में क्या, इंडियन कंपनीज एंगेज इन वेरियस इंडस्ट्री कैन इश्यू शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स अप टू 100% ऑफ देयर पेड अप कैपिटल इन इंडियन कंपनीज। ये उनकी जो पेड अप कैपिटल है उसका 100% तक ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो कर सकती हैं, शेयर्स इशू कर सकती है। साफ लिखा हुआ इसमें, कैन इशू शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट क्या है, सर्टेन एक्टिविटीज दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इज नीडेड। उसमें आपका है एफडीआई इस बार में कुछ में 100% है, कुछ में गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही है, कुछ में ऑटोमेटिक है। लिमिट विद गवर्नमेंट सेक्टर्स इन विच एफडीआई इज परमिटेड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट तक ही है। सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज परमिटेड अप टू सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। अब ये इसके प्रोसीजर वगैरह क्या है वो सब इसमें अपने काम की चीजें नहीं है। अब इसका जो पॉलिसी फॉर्मेट है जो हम देख रहे थे अभी, इसमें आप देखें कुछ सर्टेन जो एरियाज उसमें कितना कितना है। देखिए तो गवर्नमेंट अप्रूवल का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, इन एरियाज में गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता है। माइनिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, सैटेलाइट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इनमें गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता रहती है। इसको यहां पे लिस्टेड कर रखा है। कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं उसको भी यहां लिस्टेड कर रखा है, लॉटरी के बिजनेस वगैरह में, गैम्बलिंग में, इन एक्टिविटीज में प्रोहिबिटेड है, एफडीआई आ ही नहीं सकता। अब परमिटेड सेक्टर्स हैं कुछ, जो परमिटेड सेक्टर्स में अगर आप लिस्टेड देखें तो एग्रीकल्चर आपका परमिटेड है, उसमें 100% तक एफडीआई है। परसेंट ऑफ इक्विटी और एफडीआई कैप एंट्री रूट ऑटोमेटिक है। प्लांटेशन सेक्टर में भी 100% है, फिर आपका माइनिंग में भी 100% है। जहां कम है उसको थोड़ा सा आप देख लें क्योंकि वही इंपॉर्टेंट ये है आपका। पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विदाउट एनी डिसइन्वेस्टमेंट और डाइल्यूशन, ये 49% है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो ये पूरी डिटेल अपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें दिया हुआ है। डिजिटल मीडिया में 26% है, न्यूज़पेपर और इनमें 26% है। जो 100% वाले वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इंडस्ट्रियल पार्क्स में 100% है। देखिए सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन में 100% कर दिया गया। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में 74। अब देखिए इसमें बहुत सारी जो चीजें पहले अलाउड नहीं थी उनमें भी अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया। टेलीकॉम कॉम सर्विसेज के अंदर 100% है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज 100%। सिंगल ब्रांड ट्रेडिंग रिटेल में 100% है।
और मल्टी ब्रांड के अंदर रिटेल ट्रेडिंग के अंदर 51% है। इसी कारण से अभी मल्टी ब्रांड के कारण आपके अभी तक बहुत सारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो यहाँ पे आ नहीं पा रही, बाकी बीच में चला था उसका, इसका बहुत विरोध हुआ था, इसी कारण से अभी इसमें कम कर रखा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने 100% कर रखा, देखिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100%। तो ये अलग अलग सेक्टर्स देखें, बैंकिंग सेक्टर में अभी गवर्नमेंट का 74% है इक्विटी में। इसमें 74 में क्या है कि 49 तो ऑटोमेटिक है, बाकी का गवर्नमेंट अप्रूवल से 49 से लेकर 74 तक गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही अलाउड है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के अंदर इक्विटी के अंदर 20% अलाउड है अभी। सिक्योरिटी मार्केट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में 49% है। तो ये जिसमें कुछ में 100% बिलो है उसको थोड़ा सा आप देख लें, इंश्योरेंस में 49% है। तो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इनको थोड़ा देख सकते हैं क्या रेस्ट्रिक्टेड है और किसमें कितना कितना अलाउड है। ज्यादा आपको रिसर्च में जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है, फिर हम और आगे देखेंगे। अब इसी प्रकार से FDI के डेटा और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेटा भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी इससे रिलेटेड काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू लें। तो थोड़ा सा देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कमल जी, कि कंसेप्ट्स पे बहुत आपको क्लैरिटी रखनी पड़ती है कि क्या चीज है और क्या नहीं है। इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि एक तो जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें या फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, पॉलिटिकल साइंस पढ़े, वहां पर आपने सपोज आज से 10 या 20 साल पहले कुछ पढ़ा होगा तो वो आज भी एज इट इज रहेगा, फिक्स रहेगा। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के केस में ऐसा नहीं है। इवन पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है, हाँ, और काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती है। और हमेशा चेंजेस क्या होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। एक तो क्या, जैसे अभी आपने देखा पेट्रोल प्राइस रोज कभी 20 पैसे बढ़ रही, 10 पैसे बढ़ रही, तो इसका इस कारण से भी इम्पैक्ट नहीं आता। आप कोई किसी प्राइस एकदम 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा दो तब तो जाके विरोध भी हो। तो ऐसा ही सेम इकोनॉमिक्स में बहुत धीरे 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 चेंजेस होते हैं, तो इस कारण से हमें पता नहीं लग पाता है। इसलिए हमें हमेशा अपडेट रहने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई चीज पढ़ें या देखें तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, आधा एक घंटा लगाएं कि यार वास्तव में क्या चीज है, इसके अंदर इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि और दूसरा क्या है, आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या उससे देखेंगे या किसी राइटर की बुक भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत कुछ लोग हैं जो कि अनबायस्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपना दोनों तरफ से बताते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो हम बायस्ड हो जाते हैं, हम देखते हैं कि नहीं यार यही सही है, जो मैं पढ़ के आया वो सही है। तो इस वो ज्यादा आपको उसके ऊपर बायस होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों साइड को देखने की आवश्यकता है। अब जैसे कल के आर्टिकल में आप देखें उसको, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वास्तव में FDI FPI की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें अब इक्विटी की भी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है जी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इक्विटी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें भी इसको लेना चाहिए। ये नया कांसेप्ट है ना, तो ये बहुत सारे लोगों को अभी भी ध्यान नहीं होगा, जो अभी क्लास भी बहुत कम लोगों ने अटेंड की तो उनके भी दिमाग में ये कांसेप्ट ये नहीं होगी। कांसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होने से फिर आप क्या एग्जाम में तो हो सकता है पास भी हो जाए लेकिन इंटरव्यू में दिक्कत आ जाती, कहीं कुछ दूसरों को आप नहीं समझा पाएंगे। आप कह देंगे नहीं यार ये अगर हाँ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये हर व्यक्ति वही समझेगा जिसने अभी आज से 20 साल पहले 15 साल पहले अगर पढ़ाई की होगी तो उसके दिमाग में अभी यही चल रहा होगा क्योंकि वह चलिए ठीक है, आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कवल जी। तो ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे, है ना, जब तक वापस आपका में हुआ है। जैसे आप एक मुझे एक दिन किसी ने कहा था कि हाँ ये GDP वगैरह की जो कैलकुलेशन है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है, उसमें भी हाँ उसमें भी चेंज आया, उसमें भी कैलकुलेशंस में चेंज आया है, काफी चेंज आया है, तो उसके ऊपर भी हमें एक बार देखेंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू।